हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी। चलिए बनाते हैं। मैंने यहाँ पे ली है आधे से थोड़ी ज़्यादा कटोरी भी है। मैंने इसमें मैदा लिया है और ये नमक लिया है स्वाद अनुसार। अब इसी चम्मच से मैं थोड़ी सी यहाँ पे लेती हूँ अजवाइन। अब मैं इनके लिए थोड़ा सा डालूंगी इसमें तेल और अच्छे से इसको मिला लूंगी। हमारा टाइप कुछ इस तरह का हो गया है, इसकी मुट्ठी सी बंधने लगी है। अब पानी के साथ इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं इसका आटा लगा लूँगी। जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं, उस तरह से इसका आटा तैयार कर लेना है। अगर आपका भी चाय के साथ कुछ चरचरा खाने का मन हो तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए हमारा आटा तैयार हो गया है। अब मैं इस आटे का एक रोल बना लेती हूँ और इसको तीन भागों में बांट लेती हूँ। इस तरह से तीन भागों में मैंने इसको बांट। अब इनमें अलग अलग थोड़ा थोड़ा पोट कलर में डालूंगी, थोड़ा थोड़ा पोट कलर। अब सभी को इसी तरह से हम बेल लेंगे। इस तरह से सभी की लंबी लंबी पट्टियां से बना ले रही हूं। ऐसे अब हम सभी में से एक एक पट्टी को उठाएंगे और इनको यहाँ पे एक साथ लगाएंगे और इस तरह से इनकी एक चोटी सी बना देंगे। और यहाँ पर फिर मिला देंगे इसको। इस तरह से करके रख लेना। ये इस तरह से सभी के में चोटी सी बांध लेनी है इस तरीके से। ये देखिए हमारे सभी स्नैक्स इस तरह से तैयार हो गई हैं। अब इनको हम एक एक करके ऐसे तेल गरम करके फ्राई करेंगे। मैंने एक पैन में तेल को गरम कर लिया है और ये अब अच्छी तरह से गरम हो गया। मैं गैस की फ्लेम को कर देती हूँ लो। अब इसमें डाल देती हूँ ये सब फ्राई करने के लिए। हम इसको लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही नमकीन स्वादिष्ट बनती है और चाय के साथ बहुत अच्छे भी लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब इनको लो फ्लेम पर इधर से उधर करते हुए एक चम्मच की सहायता से कर लिए। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितना अच्छा इनका कलर आया है। आप चाहे तो इन्हें सूजी से भी बना सकते हैं या गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। मैंने इनको यहाँ पर मैदे से बनाया है। देखिए कितने अच्छे हमारे बने हैं। ये हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं किसी बर्तन में इनको निकाल लेती हूँ। देखिए आवाज़ से ही पता लग रहा है ये कितने क्रिस्पी यहाँ पे बने हैं। ये हमारे टी टाइम स्नैक्स बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए कितने क्रिस्पी हमारे बने हुए हैं, कितने इजली से ये टूट रहे हैं। अब आप भी जब मन चाहे टी टाइम में इनको बना सकते हैं और आसानी से खा सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नई नई रेसिपीज देखने के लिए। आप मेरी वीडियो पर यूँ ही बने रहिए।